सरकार की कमजोरी बनी, पानी से भी परेशान है, बोल नहीं पाता, बहुत हैरान करता है। हेलो, गुड मॉर्निंग दादा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और हम पांडा से आए हैं चाय पीने के लिए, हालांकि फ्री मिल रही है। तो राधे राधे जी, सीताराम आप सभी को। और नाइट हम यहीं रुक गए थे, तो बस यहाँ मॉर्निंग में उठ के चाय पीने आए। हालांकि यहाँ फ्री वाली चाय मिलती है, लेकिन हम लेट हो गए थोड़ा नहाने धोने में, तो हम यहाँ पैसों से पीने आ गए। और यहाँ दुकानें काफ़ी सारी थी, लेकिन थोड़ा सा दूर थी पांडाल से, काफ़ी सारी दुकानें थी, नाश्ता वगैरह, चाय वगैरह, जूस वगैरह। और आजकल तो हर जगह यही सुविधा रहती है, तो आप बने रहिए व्लॉग में आगे तक। यहाँ पी रहे हैं चाय, कल तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे, बहुत ज़्यादा, इसलिए कल से कोई शूट ही नहीं कर पाई मैं। पंडित जी आए थे 6:30 बजे। पांडाल अभी तक गुरु जी आए नहीं हैं। ये देखो बस तो इसका है, लेकिन टंगा में खुरी है। और यहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। तो आज है सेकेंड डे पांडाल का, और हम बैठे हैं पांडाल में। अभी तक गुरु जी नहीं आए, आज देवी दरबार लगने वाला है। और देखो भीड़ के बैठ गए हम रेडी होके, अब देखते हैं दिव्य दरबार कब लगता है। तो आज बाबा जी को, मतलब बाबा जी ने हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया, कल बहुत इंतज़ार करवाया, बहुत पूरा दिन तबीयत ख़राब हो गई थी। और आज तो 8 बजे का दरबार का था, लेकिन 10 बजे लग गया दरबार। तो आज दिव्य दरबार है, तो बाबा जी की हो रही है एंट्री दरबार में, तो आप भी दर्शन कर लिए। और बोली हमारे साथ साथ सीताराम, हमने यहाँ बहुत जयकार लगाया, बहुत सुकून मिला यार, यहाँ बैठ कर बहुत ज़्यादा सुकून मिला। ऐसे मैं कभी जाती नहीं हूँ कथा में, कभी भी नहीं गई, ये मेरी फर्स्ट ऐसी जो बागेश्वर धाम की बड़ी कथा थी जो मैं यहाँ उपलब्ध थी, बाकी मैं ऐसे कभी भी कहीं नहीं जाती हूँ। तो ये देखिए बाबा जी के नाच गाते हुए आते आ रहे हैं, नाचते गाते आ रहे आते जा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा लगता देखने में। दिव्य दरबार का लगने वाला है आज, मतलब दिव्य दरबार में, मतलब जो अर्जी लगाते हैं घर से, जो बहुत ही इच्छा, मेरे जैसी इच्छा, लेकिन मेरी तो अर्जी नहीं लग पाई, बहुत ही अच्छे मन से याद करते हैं भगवान बालेश्वर बालाजी महाराज को, तो मतलब प्रार्थना करते हैं, लहसुन प्याज का त्याग करते हैं बहुत दिन पहले से, तब करना पड़ता है, तब जाके बोलते हैं ना भगवान मिलते हैं। तो उनकी जो यहाँ पर अर्जी लगती है, और पर्ची भगवान लिख के, ये मतलब श्री कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची लिख के फिर नाम बुलाते हैं, और पहले से ही उसमें लिख देते हैं पर्ची में कि इसको क्या तकलीफ है और क्या नहीं है, तो फिर बाद में उनको बुला के उनका नाम ये खुद बोलते हैं, और उनकी तकलीफ भी बोलते हैं, और उसका निवारण भी बोलते हैं। तो यहाँ गुरु जी बोल रहे हैं कि VIP कैसे हंसते हैं, VIP कैसे ताली बजाते हैं, और हम जैसे मिडिल क्लास लोग कैसे हंसते हैं, कैसे ताली बजाते हैं। हंस हंस के यहाँ पेट दुखने लग गया था बहुत ज़्यादा। और मैं वही बोल रही हूँ, अर्जी का मतलब उनकी तकलीफ बोल देते हैं, और उनका निवारण भी बोला जाता है कि आपका निवारण कब होगा। ये था दिव्य दरबार का महत्व। तो मैं कुछ सबको सूट करना तो पॉसिबल नहीं था, और अब लगने वाली है अर्जी, उसका नाम बुलाया जाएगा अब। पीयूष नाम का बालक कॉलेज की तरफ निकला हुआ है, आ जाइए आपकी अर्जी। पीयूष कॉलेज की तरफ में बैठा है, एलईडी के कॉलेज की तरफ, आ जाइए आपकी।
क्या मूड चल रहा है। देखा तारा की माता जी की दूसरी पीढ़ी के बाद विराजमान है बीचों बीच रेखा नाम की माता जी। आ जाइए का पीली सी साड़ी पहने हैं आपकी अच्छी गाय आ जाए की तक वो आया। राम राजू जी बाहर में पंडाल के सामने में एक अमित नाम का बालक खड़ा है, तो आजा तुम्हारी भी अधिकार है। उसी प्रांगण में राम पुष्पेंद्र नाम का बालक दरबार प्रांगण में ही पुष्पेंद्र नाम का बालक तौलिया लाए बैठा है। आ रहे हैं तो क्या बात होने जा रही है तो यूं मैं हेयर बात किया कुछ नहीं अगर सुनो राम ऐसा नहीं है कि गुरुजी के सामने बैठे थे उन्हीं को बुलाया जाएगा। उनकी अर्जी पीछे से जो पांडाल के बाहर है उनको जिनको जगह नहीं मिल पाई क्योंकि पांडाल यहाँ छोटा था, सुविधा बहुत कम थी, तो बाहर भी पब्लिक खड़ी थी, तो उनको भी बुलाया गया अर्जी में। जो दिल से याद करते हैं ना बोलते हैं ना भगवान उन्हीं को मिलते हैं। तो शायद मैंने बुलाने में या फिर मेरी याद करने में थोड़ी कोई कसर रह गई होगी। तो हालाँकि यहाँ बहुत सारी अर्जी लगी लेकिन मेरी नहीं लग पाई। और अर्जी लगने के बाद ये देखिए भूत पिशाच निकटनी ही आवे। जहाँ पांडाल में हमारे पास बैठने वाले में ऐसा कोई साया होता है भूत वगैरह का, तो वो भी उठ उठ के उन्होंने मतलब ऐसा कोई मंत्र बोले जो उठ उठ के उनके पांडाल के पास जाने लगे। बहुत सारी औरतें स्टैंडर्ड औरतें, मतलब कोई एक तो कॉन्स्टेबल भी थी और एक बहुत सारी स्टैंडर्ड औरतें भी थी। ऐसे उन्होंने ऐसा कोई बोला मंत्र तो सारे जितने भी पूरे पांडाल में बाहर अंदर वीआईपी में जहाँ भी थे वो सब घसीट के वहाँ दरबार में जाने लग गए। और यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया था, बहुत ज़्यादा। हमारे पास में बैठी औरत भी चली गई थी ऐसे उनका। सच में यार ये देख के तो बहुत डर लग गया था मुझे, बहुत ज़्यादा। मुझे क्या सब भी डर गए थे, हमारे पास में बैठे उनको भी ऐसे छाया था तो उन्होंने वो भी उठ के लोट पोट होके वहाँ जाने लगे बहुत ज़्यादा। तो बस आज का दिव्य दरबार ख़त्म होता है। और आपका वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना और सीताराम ज़रूर लिखना कमेंट में, मुझे अच्छा लगेगा। तो यहाँ ये देखिए आरती होने लगी और सारी पब्लिक इकट्ठा होके मतलब खड़े होके इनका और कथा भी होगी शाम को 4 बजे, लेकिन हम यहाँ नहीं रुक पाएंगे क्योंकि हमें 3 दिन हो गए। तो बस यहीं से हमारी भी एंडिंग होती है और हम सब जाएंगे घर, बस यहाँ आरती हो जाए फिर निकलेंगे। इतनी भीड़ में निकलना भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और गर्मी का दिन है तो हम 3 दिन से परेशान हो गए, बाकी रुकने का मन तो था लेकिन कुछ नहीं क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए घर आते आते हमें नाइट हो गई है। आप ये मत पूछिए हम कैसे कब कहाँ से कैसे आए, बहुत तकलीफ़ से आए।
तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, तकलीफ तो हुई कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव योर फ्रेंड।